आप लोगों ने ये मुगल काल का भी टॉपिक बचा है क्या कुछ? मुगल काल का बचा है मुगल काल में कुछ बताया गया तो सल्तनत काल बताया गया। अच्छा यहाँ मुगल काल का आर्ट एंड कल्चर नहीं बताया गया? नहीं सर, और जबकि मुगल काल सबसे इम्पोर्टेंट है तो बता बचा नहीं। मुगल काल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज तो आपको बताना है। इसी आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक है भक्ति का, ठीक है? ये टॉपिक लिया हुआ यही बताना है आपको। कहीं और थे तुरंत बताया गया, नहीं आपको लेना है कब तुरंत कहीं और से भाग दे रहा है। भक्ति काल से समझने से पहले हमको धर्म की गहराइयों को समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म से सीधा संबंध किससे है? भक्ति से है ना। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि धर्म से संप्रदाय का जन्म हुआ, फिर संप्रदाय के बाद उसमें भक्ति काल आया। भक्ति काल का मतलब हुआ कि धर्म का विकास का माध्यम उन्होंने साधन बनाया, साधन के से ही ये टॉपिक जुड़ा हुआ है आपका भक्ति काल। तो धर्म तो प्राचीन काल से आप जान ही रहे हैं, देखिए जो धर्म भारत में विकसित हुआ है हिंदू बाद में हिंदू धर्म उसको कहने लगे, वो पहले वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था, फिर ईरानियों ने उसको हिंदू धर्म कह दिया, ठीक है? बार बार इस चीज़ की चर्चा होती है कि ये धर्म हिंदू धर्म क्यों है, क्योंकि ईरानियों ने ही भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, और हिंदू क्यों कहा? सिंधु नदी उस समय बहुत फेमस नदी थी, और सिंधु नदी के कारण ही ईरानियों ने ही भारत को पहली बार हिंदू कहा, ठीक है? और यूनानियों ने इंडस कहा, ठीक है? इंडस, फिर इंडस से वही इंडिया बन जाता है, भारत बन जाता है, और फिर इंडियन भाषी भारत में रहने वाला। तो जो धर्म का वैदिक काल में धर्म की जो शुरुआत हुई वो धर्म का विकास तो वैदिक काल तक हो गया, लेकिन वैदिक काल के बाद क्या कहते हैं, जब वैदिक काल खत्म होता है तो फिर दो धर्म क्या कहते हैं जिसको तो नास्तिक धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसका उदय होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सीधा विरोध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल के विरोध के फलस्वरूप ही इस धर्म का जन्म हुआ, ठीक है? वैदिक काल यानी एक क्वेश्चन भी आता है कि जो नास्तिक किसे कहा गया है, जो वैदिक धर्म को नहीं मानता, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो ईश्वर को नहीं मानता है उसी को कहा जाता था, उस समय जो वैदिक धर्म को नहीं मानता है उसको भी नास्तिक कहा जाता था। तो बाद में जब धर्म क्या कहते हैं विकास हो गया, धीरे धीरे उसके समुदाय जन्म हुए, ठीक है? समुदाय कब जन्म हुआ? अब देखिए पहले तो हिंदू धर्म का समुदाय बाद में आया, पहले तो आप लोग जानते भी हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ही बट गया आपस में, ठीक है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म बटा, बौद्ध धर्म किस में बटा? हीनयान और महायान, और ऐसे ही जैन धर्म बटा, जैन धर्म बटा दिगंबर और श्वेतांबर, ये दो बटा। तो आज भी इनके अनुयायी अपने अनुसार धर्म में आस्था प्रकट करते हैं, ईश देव उनके सब एक ही है, उनके जो गुरु हैं सबके एक हैं, लेकिन उनका जो साधन है वो अलग अलग रूप से मनाते हैं, वो संप्रदाय है अलग अलग रूप से मनाते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसमें क्या कहते हैं संप्रदाय का डिवीजन हो गया, बट गया संप्रदाय, ठीक है? हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में आगे चल के, क्योंकि हिंदू धर्म का विस्तार जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ उसके बाद, ये करीब हम देखते हैं कि आप जाइए तो बौद्ध धर्म के बाद करीब 400-500 साल तक बौद्ध धर्म का विकास होता रहता है, लेकिन आगे चल के
सातवीं आठवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जगह फिर हिंदू धर्म का विकास हो जाता है, और जो विकास होता है वो दक्षिण भारत में भी होता है। तो दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, जाके जो क्या कहते हैं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उसका जो विकास हुआ, आगे चल के वो एक डेवलपमेंट के रूप यानी विकास के रूप में समुदाय में विभाजित हो गया। और पहले हमने एक चीज आपको बता भी चुके हैं कि हिंदू धर्म को है जब कृष्ण की पूजा होने लगी तो एक नया संप्रदाय आया था भागवत। और हमने बताया था शैव धर्म को भी कई संप्रदाय में आगे चल के डिवीजन हुआ, ठीक है। शैव धर्म का कौन कौन सा, देखिए कापालिक और पाशुपत संप्रदाय, आपका नाथ संप्रदाय, ये आपका विभाजन हो गया संप्रदाय का। तो ये तो देखिए संप्रदाय का विभाजन है, लेकिन भक्ति काल यानी भक्ति की धारणा कहां से डेवलपमेंट होती है, देखिए धर्म के प्रचार करने से। सबसे पहले जो भक्ति की अवधारणा शुरुआत होती है वो दक्षिण भारत से होती है, दक्षिण भारत में एक वंश था पल्लव, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसका कहते संस्थापक माने जाते हैं, इसके मतलब संस्थापक का मतलब वो विकसित थे, पहले सिंह विष्णु ने संस्थापक मतलब स्थापना की थी। उसी पल्लव वंश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसको पूरे दक्षिण में फैलाने का काम ये लोग करने लगे। इसके 12 अनुयायी थे जिनको हम लोग आलवा संत का नाम जानते हैं। वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे दक्षिण भारत में उनको आलवार संत के नाम से जाना जाता है, और मुख्य रूप से वो आलवार जो है 12 संत थे उस समय। ये 12 संत थे जिन्होंने दक्षिण भारत में आलवार यानी वैष्णव धर्म का विकास किया। उस समय दक्षिण भारत में जैन धर्म का भी थोड़ा बहुत था बौद्ध धर्म, तो इन आचार्यों ने क्या किया, जैन धर्म के विद्वानों और बौद्ध धर्म के विद्वानों को शास्त्रों से क्या कहते हैं ज्ञान से उनको पराजित किया, यानी डिबेट करके पराजित किया, ठीक है, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म। तो बात क्या कहते हैं पल्लव वंश, इसीलिए आप देखेंगे कि पल्लव वंश में ज्यादातर जो मंदिर भी बने हैं वो वैष्णव संप्रदाय के मंदिर, ज्यादातर पल्लव वंश में अधिकतर जो मंदिर है वो वैष्णव संप्रदाय के। इसमें कई लोग थे, 12 में से कई लोग थे, एक महिला भी इसमें थी 12 में से, ठीक है। इसके बाद वैष्णव के साथ साथ दक्षिण भारत में शैव धर्म का भी विकास हुआ, और सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में जो वंश में शैव धर्म का विकास हुआ, और शैव धर्म के जो अनुयायी दक्षिण भारत में थे उनको नैनार कहा, और इनकी संख्या लगभग 63 थी। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म ये दक्षिण भारत में विकसित हो गया था, लेकिन जब ये धर्म उत्तर भारत में आता है तो उत्तर भारत में कौन ले जाता है, उत्तर भारत में ले जाने का काम करते हैं रामानुज ने काम किया था। रामानुज ने उनका एक विचारधारा थी विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। उन्होंने शंकर जो शंकर थे क्या कहते हैं शंकर ने 8वीं शताब्दी में शंकर मतलब सॉरी शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ही अद्वैतवाद
स्थापना की। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जो ईश्वर है वो हट के है, मतलब उसको आप क्या कहते हैं, ये सामने नहीं देख सकते हैं, ये निर्गुण है, मतलब सामने नहीं है। और इन्होंने मूल क्या कहते हैं इसको बताया है कि जो लोग मानते हैं कि जीव, यहाँ हम लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो इसका उन्होंने विरोध, उन्होंने कहा एक ही है ईश्वर, वो आत्मा नहीं है, उसको क्या कहते हैं वो परे है। लेकिन अद्वैतवाद के विरोध में रामानंद ने विशिष्टाद्वैतवाद, राम द्वैतवाद, यानी उन्होंने ईश्वर की जो पूजा है वो क्या कहते हैं उसमें गुण, सगुण यानी गुण भर कर, यानी मंदिर में जो क्या कहते हैं जैसे पूजा किया जाता है, तो जीव और परमात्मा यानी दोनों को माना कि जीव में के अंदर भी परमात्मा है, जीव एवं परमात्मा दोनों का सिद्धांत दिया, एक ही है उन्होंने बताया कि जीव के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा है यानी जीव है। ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर अलग है, जीव से संबंध नहीं है ईश्वर का। शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर अलग है, एक ही ईश्वर है, वो कहते हैं द्वैत नहीं दो है, जीव जीव में भी है और अलग भी है। समझ आ रहा है नहीं आपको? ठीक है, जैसे हम लोग को ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी तुलना ईश्वर से कर दी जाती है कि नहीं? देखिए देते नहीं, उपमा क्यों दी जाती है, जिसने भी बहुत अच्छा काम किया तो कहते नहीं ये देवता तो नहीं। तो जब आप ये चीज कहते हैं तो उनका कहने का मतलब है हमारा ये अच्छा काम हुआ कैसे, हमारे अंदर यानी ईश्वर का वास है तभी हम अच्छा काम करते हैं, और जब भी हम गलत काम करते हैं तो हमको दूसरी उपमा दी जाती है। ठीक है, समझ आया? ये चीज कहने का मतलब यही है रामानुज का कि हमारे अंदर ईश्वर वास है, जीव के अंदर है, वो कहते हैं नहीं जीव के अंदर नहीं है अद्वैतवाद। तो रामानुज ने ही ये क्वेश्चन आता है कि किस महापुरुष ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को पहुंचाया? ये लोग वैष्णव संस्कृति को क्या कहते हैं शैव, इन्होंने शैव का विकास किया शंकराचार्य ने, और ये वैष्णव संस्कृति इनका वैष्णव धर्म का इतना उन्होंने दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार कर दिया कि चोल वंश के एक शासक ने इनको अपने राज से बाहर कर दिया था, और एक मूर्ति जो थी उसको क्या कहते हैं उस मूर्ति को वैष्णव मूर्ति को कुलोत्तुंग द्वितीय एक शासक था चोल वंश का, उसने वैष्णव रामानुज के कारण वैष्णव की एक मूर्ति को उठवा के नदी में फेंकवा दिया था उसने। तो इन्होंने उस समय विष्णु धर्म का प्रचार प्रसार किया। अभी ये तो विष्णु भगवान है, लेकिन जहां जब उत्तर भारत में जब ये भक्ति जाती है यानी ये धर्म का विकास होता है तो विष्णु के जगह आराध्य उत्तर भारत का राम हो जाते हैं। ठीक है, वो राम हो जाते हैं। तो रामानुज के जो शिष्य माने जाते हैं यानी रामानुज के बाद उत्तर भारत में जिसने धर्म का प्रचार प्रसार किया वो कौन थे? रामानंद ने अपने इष्टदेव राम, इनके इष्टदेव उत्तर भारत में राम थे, और रामानंद के कई शिष्य हैं आप लोग जानते ही हैं, कई लोग थे, कबीर थे उनके कबीर शिष्य थे, ठीक है, और क्या कहते हैं और कौन कौन थे, नहीं तुलसीदास देखिए उनके कबीर थे, सैन थे, पीपा थे, ठीक है, कई शिष्य थे उनके, तो सबकी अलग अलग धारणा थी। अब जैसे रामानंद ने जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया उनसे ज्यादा उनके शिष्य जो थे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जैसे कबीरदास, कबीरदास भी राम को मानते थे, लेकिन कबीरदास ने इस भक्ति आंदोलन में दो शाखा हो गई आगे चलते, एक सगुण और निर्गुण। तो कबीर किस किस
मध्यम मार्ग भी थे, निर्गुण सागर, ठीक है, निर्गुण सागर के थे कबीरदास। और कबीरदास का कहना था कि मतलब ईश्वर तो है लेकिन जो क्या कहते हैं मूर्ति बना के पूजा करना, उनमें गुण भर देना, ये सही नहीं है, ये उसको ढो और पाखंड चाहिए। सभी धर्मों को बुलाया था, सभी धर्मों के, ठीक है, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था। तो और अकबर ने इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने जो सिक्का भी चलाया था उसमें राम सिया सीता जी का सिक्का, यानी धर्म का उस समय प्रभाव था। ये धर्म का प्रभाव एकता स्थापित करने के लिए था, ठीक है, जो मतभेद था उसको रोकने के लिए था। तो उस समय भक्ति काल और सूफी संत भी लोग थे, लेकिन सूफी संत इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं करते थे जितने भक्ति काल के लोगों ने उस समय का प्रचार प्रसार किया सभी लोगों के जीवन में। तो आगे चल के भक्ति में बहुत परिवर्तन भी आता गया। बंगाल में चैतन्य चैतन्य प्रभु थे, उन्होंने भक्ति मतलब उन्होंने ईश्वर की क्या कहते हैं पूजा पद्धति में एक और पद्धति जोड़ी थी, वो थी कीर्तन पद्धति। कीर्तन पद्धति, अभी कीर्तन होता है ना जिसे कहते हैं मंदिरों में, तो ये जो है बंगाल के चैतन्य महाराज थे, इन्होंने ही क्या कहते हैं ये कीर्तन पद्धति इसको जोड़ दिया बंगाल में। ऐसे ही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी अनेक अनेक भक्ति काल के क्या कहते हैं लोग हुए, इसमें एक नाम तुकाराम रामदास, रामदास तो शिवाजी के गुरु ही थे, yes.
है शिवाजी के क्या गुरु थे, ठीक है, और एक नाम तुकाराम और एक रामदास, ये सीधे इनका तीनों लोग का संबंध महाराष्ट्र के धार्मिक आंदोलन से। आगे चल के देखिए, इसी भक्ति आंदोलन में अलग से एक संप्रदाय देखिए आता है, एक धर्म सिख धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म में स्थापना किसने की थी, गुरु नानक। ये माना जाता है कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी और बाबा तोरो। सिख पंथ में 10 गुरु और सबका अपना अपना प्रभाव। हम आपको बता रहे थे पहले में थे गुरु नानक, दूसरे में थे अमरदास थे,
अमरदास के शिष्य रामदास, लेकिन जब गुरु अर्जुन शिष्य हुए उसके बाद पुत्र परंपरा यानी गुरु अर्जुन के ये लड़के थे हर इन्होंने यानी एक वंश परंपरा की शुरुआत हो गई कि उनके पुत्र ही शिष्य होने लगे। तो हर गोविंद के बाद गुरु क्या कहते हैं गोविंद के किसने मरवा दिया था हाथी गुरु हर गोविंद फिर हर किशन थे या गुरु हर राय गुरु से बाद उनको औरंगजेब ने मरवा दिया। और अंतिम कस्बे थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो क्या कहते हैं सिख धर्म की जो गुरु ग्रंथ साहिब उसको अंतिम रूप से क्या कहते हैं इसको इस ग्रंथ व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह को ही। दसवें जो हाँ कुछ कविता का है गुरु अंगद जी
क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य की भाषा, विदेशों की भाषा पाली का कारण क्या था, इनमें से कारण क्या था। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन ये था कि मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों की भाषा पाली क्यों थी या इसका कारण क्या था। ये चार कारण में से एक कारण हो सकता है, ठीक है, एक सही है। ए, लोगों के द्वारा ये समझी जाती थी। दूसरा, यह एक राजकीय भाषा थी। सी, अधिकतर बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। डी, यह उस समय की सबसे विकसित भाषा थी। ये चार ऑप्शन समझ में आ गया है, ऐसा तो नहीं कोई किसी को जिन क्वेश्चन ना समझ में। एक मिनट हो गया, दो मिनट, तीन मिनट। बी, यह एक राजकीय भाषा थी। सी, अधिकतर बौद्ध इसमें पाली भाषा। बी, ऑप्शन डी, यह उस समय की सबसे विकसित भाषा थी। लेकिन इसका आंसर है ए, ये उस समय के लोगों के द्वारा समझी जाती थी अधिकतर। देखिए, अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर मानने से पहले। अशोक के जो भी अभिलेख जहाँ भी पाए गए हैं उनको ये ध्यान में रखा गया है कि जहाँ जहाँ अभिलेख हैं वहाँ वहाँ उसकी भाषा है। पश्चिम में आप जाएंगे तो ईरानी भाषा में मिला है, सुन रहे हैं, अरमाई भाषा में लिखा है पश्चिम में, ठीक है। आपका साउथ में जो है, दक्षिण भारत में अलग भाषा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जहाँ पे लोग जानते थे वैसे ही उस समय अभिलेख लिखवाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, लोगों के द्वारा जैसे समझा जाता था वैसा ही अभिलेख लिखवाए गए। कोई भी चीज जब आप कह रहे हैं विकसित तभी होगी जब लोगों के द्वारा समझी जाएगी, लोगों के द्वारा ही समझा जाएगा, ठीक है। तो पहले लोग आएंगे, लोगों के जब तक आप हमारी भाषा नहीं समझेंगे तब तक विकास कैसे होगा। तो भाषा को विकसित करने का श्रेय किसको गया है, लोगों। तो पहला क्या आया आंसर, लोग, समझ रहे हैं, लोग ही। आखिर कोई रचनाकार तभी ना किताब लिखेगा जब उसकी किताब ज्यादातर पढ़ने वाले होंगे, और आप ऐसी भाषा में लिखे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ए, लोगों के द्वारा। आपको बताना है कि बिंदुसार के समय कहाँ पे विद्रोह हुआ जिसको दबाने के लिए अशोक को बुलाया। बिंदुसार के समय किस जगह विद्रोह हुआ जिसको नियंत्रण करने के लिए अशोक को बुलाया गया। ए, तक्षशिला, बी, उज्जैन, कलिंग, डी, पाटलिपुत्र। बिंदुसार के समय इनमें से किस जगह विद्रोह हुआ जिसमें अशोक को क्या कहते हैं नियंत्रण करने के लिए बुलाया गया था। चलिए एक के रूप में तक्षशिला, बी, उज्जैन, सी, कलिंग, डी, पाटलिपुत्र। ज्यादा लोगों ने आंसर नहीं मारा। ये देखिए तक्षशिला में हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, समय अशोक उज्जैन के राजा थे, उनका राजा था, अशोक को बुलाया गया था। इनमें आपको बताना है, आपको क्रम बता देना है कि ये चारों का पहले से मतलब बड़े से जो उनका एक क्षेत्रीय विभाजन हम आपको मौर्य साम्राज्य का लिख रहे हैं,
आपको बताना है कि ये क्षेत्रीय विभाजन किस क्रम में, पहला कौन होगा बड़ा से लेके छोटा, चारों में से आपको ये बताना है कि ये क्षेत्रीय विभाजन था मौर्य साम्राज्य का, इनमें से बड़े से लेके सबसे छोटा कोई सबसे बड़ा था उसके बाद क्रम है, छोटे से बड़ा नहीं बड़े से छोटा, आप सब लिखें कि आपने बताएंगे आंसर, कोई ऐसा कि जो बिना ऑप्शन के उत्तर बोलना चाह रहा हो तो बोल सकता है, उसी का पहला ऑप्शन लिख देंगे। फिर ऑप्शन दे दीजिए, कोई एक ऐसा बता दे पहला ऑप्शन पे हम आप बी ए, अच्छा आपसे बोल दिया डी बी बी डी ए, दूसरा सिलालेख
तीन दो तीन चार चार पाँच आप ही पाँच और सी यानी तेरह चौथा सी दो चार लेकिन इसका आंसर होगा बी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे फिर हम कल आप बताते हैं देखिए मुगल काल।